नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर अब दिल्ली में तेज हो गई है। आपको बता दें, सोमवार को यहाँ 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 28 मामले दर्ज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार भी काफी सतर्क है। ऐसे में आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि दिल्ली में कहाँ कहाँ ओमिक्रॉन का टेस्ट हो रहा है, इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मरीजों का कहाँ हो रहा है दिल्ली में इलाज। आज तक चैनल ने सेंट्रल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को है जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लिस्ट में हैं या फिर किसी हाई रिस्क वाले देशों से आए हैं। ऐसे में हाई रिस्क वाले देशों से आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, फिर आरटीपीसीआर के लिए दिए गए सैंपल को ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाता है। दिल्ली सरकार की 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। एक लैब में 400 सैंपल रोजाना टेस्ट किए जा सकते हैं। हालांकि दूसरी लहर के बाद एक लैब एलएनजीपी अस्पताल और दूसरी लैब आईएलबीएस अस्पताल में भी बनाई गई है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अब तक जो डेटा सामने आए हैं उनके मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मरीजों में सांस लेने की, कफ की और तेज बुखार की समस्या नहीं है। बता दें कि दिल्ली में अभी एलएनजीपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक मिले 20 मरीजों को इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि WHO का जो डाटा सामने आया है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन के मरीजों में हल्के लक्षण होते हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों में गले में दर्द, लूज मोशन, हल्का बुखार होगा, लेकिन अब तक सांस और बीपी से संबंधित समस्या नहीं देखी गई है। डॉक्टर सुरेश ने बताया कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ओमिक्रॉन मरीजों को ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। ओमिक्रॉन हुआ भी तो आईसीयू में जाना नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य रहेगा और मरीज जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।